I am Manoj and residing at West Bengal in district of Purulia. I am a MSc IT and I am working last 17 years in IT industry field. That is the IT hardware networking field in various company. After lockdown, my job is lost due to some company problem and the project has been stopped. एक्चुअली मैडम मैंने कुछ सोच रहा था मेरे जो वर्क फ्रॉम होम में कुछ काम करेंगे तो दिस टाइम आई एम सर्चिंग अबाउट सम वेबसाइट डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड उस टाइम पे मेरे को फेसबुक में एक ऐड मिला था दैट इज द कलाडे एकेडमी एंड मैं वो ऐड देख के उसका बाद पहले मैंने उसको चूज किया था एक डिजिटल मार्केटिंग का नॉर्मल कोर्स था जो 299 का कोर्स ओके उसमें शांति सर का सब वीडियो देखा मेरे को इंटरेस्टेड लगा देन मैं गो टू द वेबसाइट अकार्ड एकेडमी वहाँ पे देखा उसमें रैंकिंग बहुत बेहतर है और काफ़ी स्टूडेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एवं काफ़ी स्टूडेंट भी काम भी कर रहे हैं तो आफ्टर दैट आई कॉन्टैक्ट विथ कलाडा एकेडमी देन सजेस्टेड मी हाउ टू एडमिशन हाउ इज द एडमिशन प्रोसीड्योर देन आई ज्वाइन द कलाडा एकेडमी एंड हेयर इज माई सम प्रॉब्लम दिस टाइम क्या है उसमें मेरे को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम था तो इट इज़ द वेरी बेटर ऑप्शन टू EMI फैसिलिटी देन आई ज्वाइन द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जर्नीज मेरे लिए जीरो से था एट फर्स्ट मैंने तो मतलब तो फर्स्ट क्लास हो रहा था इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मार्केटिंग का नॉलेज कुछ भी नहीं था मेरे पास आई एम ऑलवेज सर्विस में था तो सेल्स का नॉलेज मार्केटिंग दैट मीन्स एक सेल्स टाइप का है तो उसमें कुछ भी नॉलेज नहीं था मेरे पास बट फर्स्ट 2-3 क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उसके बाद सर से डिस्कस किया डिस्कस करने के बाद धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ते गया तो उसमें मैडम क्या हुआ मैं क्लियरिटी ज़्यादा हुआ मोस्ट ऑफ द क्लियरिटी आया जब वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट हुआ देन SEO पार्ट में मेरे को इंटरेस्टेड ज़्यादा आया देन आई एम कंटिन्यू देयर इज नो प्रॉब्लम इस जर्नी में जो क्लाउड एकेडमी का जो कोर्स है इस जर्नी में अच्छा लगा इस हेल्प एंड सपोर्ट जो बेहतर है हम सर्विस लाइन में है तो मेरे को पता है हेल्प एंड सपोर्ट कितना जरूरत पड़ता है बट वेरी वेरी गुड सपोर्ट हाँ यहाँ मैडम को तो मैं ये बताऊंगा अभी का स्टेटस में जो मैंने कोर्स अभी तक सीख लिया है दैट मीन्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है इसमें हम रेटिंग देंगे तो मेरे हिसाब से रेटिंग करेंगे तो कमी हो जाएगा मैं तो रेटिंग दे नहीं सकता क्लाउड एकेडमी को क्लाउड एकेडमी जो मेरे को दिया है उसमें उसको रेटिंग में क्या दूँ अगर मैं 10 बोलूँ प्रॉब्लम है बट मेरे पास तो 100% है क्लाउड एकेडमी 10 is 10 बट वो मेरे लिए कम हो रहा है हमको लगता है और ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि एक मेरे जीरो में था मैडम मेरे को पता ही नहीं था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट क्या है वेबसाइट कैसे बनाता है जस्ट देखते रहता था पर अभी क्या है मैं खुद वेबसाइट बना रहा हूँ अभी मार्केटिंग का अंदर इतना सारा टूल्स है जो नॉलेज भी नहीं था तो इसमें मैडम अगर मैं 10 बोलूँ तो मेरे हिसाब से कम हो जाएगा तो जो भी हो आपका पास जो पॉइंट है उस पॉइंट से मेरा सेम 10 नो प्रॉब्लम मैं सजेशन ऑब्वियसली करूंगा क्योंकि देखिए मैडम हर कोई चाहता है कुछ भी करने के बाद एडुकेशन के बाद जॉब करूँ ठीक है जॉब तो इस बेटर जॉब करना पड़ेगा जॉब नहीं करने से उसको पता नहीं चलेगा फील्ड क्या होता है बट जॉब के साथ ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर वो एक तरह से सीख ले तो उसमें क्या होगा उसको बेनिफिट तो वर्क फ्रॉम होम बैठ के बहुत सारा प्रोजेक्ट या काम आते रहेगा जिसमें क्या होगा उसको अर्निंग आएगा क्योंकि एक्चुअली ये है हम लोगों का जो भी कुछ हो जाए लास्ट है हम लोगों का एंडिंग है अर्निंग हाउ मच आई अर्न इन द मंथ ऑफ एंड ओके तो इसमें सैलरी एक फिक्स हो जाएगा मतलब यही में मेरे को बाउंड्री में रहना पड़ेगा बट अगर कुछ में ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करूँ और ये आई थिंक अभी तक जितने में पढ़ाई किया हूँ तो आई थिंक इट्स द फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है
तो मैं अगर कोई मेरे सजेस्ट में आएगा तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ऑब्वियसली अभी मेरे पास जो इंस्टीट्यूट है जिसमें मेरे को मिला है इतना सपोर्ट, तो ऑब्वियसली मैं सपोर्ट इसी को करूंगा क्योंकि मेरे को मिल रहा है। इवन की ये भी मेरे को पता है क्योंकि मेरे को फ्यूचर भी मिलेगा इसके पास से सपोर्ट, कनाडा का जमीन के पास से मेरे को फ्यूचर में भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें कुछ कमेंट नहीं है, अच्छा गाइडेंस है। कोई भी जगह पे जाके रुक के बात करूं या तो फिर कोई भी डाउट लेके मैं सर के पास जाऊं, नॉर्मली मेरे को, मैं जीरो से हूं ना सर, जीरो से हूं इसलिए मेरे को समझ में आता है, वो मेरे को जीरो से समझता है तभी मैं 100 में पहुंच सकता हूं। तो ऐसा नहीं है मैं सर के पास कुछ लेके गया और सर ये समझा दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग टू एंड मेरे को समझाता है। और मेंटर मिस्टर अजय सर है, वो भी कभी भी प्रॉब्लम होता है ऑलवेज ही सपोर्ट मी। आप लोगों से मैडम है तो आप लोग है, उसके बाद सेला मैडम है तो वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग अच्छा है मैडम, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।